देश की राजधानी दिल्ली में 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक होने वाली छुट्टियों को लेकर अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल भारत इस बार G20 की मेजबानी कर रहा है और G20 के लिए पूरी दिल्ली को सजाया गया है। जगह जगह पर G20 के बोर्ड्स लगाए गए हैं, चौराहे सजाए गए हैं, सर्कल सजाए गए हैं और ऐसे में 8 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक की जो छुट्टियां हैं अगर उसको लेकर कोई कंफ्यूजन है तो आपको बता दें कि जो विदेशी मेहमान हैं वो दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली के तमाम 5 सितारा होटल उनके लिए बुक किए गए हैं और एयरपोर्ट से जब वो 5 सितारा होटल में पहुंचेंगे तो उसके लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। कई जो रास्ते हैं उनको डाइवर्ट किया गया है। इसी के चलते दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो बंद रहेंगे और मार्केट्स हैं वो भी बंद रहेंगे। यानी कि सेंट्रल दिल्ली में जो लगने वाले रास्ते हैं, चाहे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का रास्ता हो, चाणक्यपुरी हो, लोधी रोड हो, उन सभी रास्तों पर ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक पूरी दिल्ली में कई तरीके के जो प्रतिबंध है वो देखने के लिए मिलेंगे। एक तरीके से दिल्ली बंद नजर आएगी। अगर आपको ऐसे में कहीं जाना है तो आप सबसे बेहतर रास्ता है कि आप मेट्रो का इस्तेमाल करें, क्योंकि मेट्रो से आप आराम से जा सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल दिल्ली पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगी और यहाँ तक कि जो केंद्रीय कार्यालय है वो भी 3 दिन के लिए बंद रहेंगे। 3 दिन की छुट्टी यहाँ पर घोषित की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि G20 के दौरान दिल्ली वासियों से उन्होंने अपील की है कि जिस तरीके से कोविड के मुश्किल समय में उन्होंने साथ दिया था ऐसे ही वो G20 में भी साथ दें। तो 8 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक ये कई प्रतिबंध दिल्ली में रहेंगे। 7 सितंबर रात 12 बजे से ये प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। स्कूल की छुट्टियां कर दी गई हैं, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तो आप भी 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक दिल्ली में होने वाले जो ट्रैफिक एडवाइजरी हैं उसको फॉलो करें और साथ ही साथ जो प्रतिबंध है उनका पालन करें। और साथ ही साथ अगर आपको कहीं जाना है तो आप मेट्रो का इस्तेमाल करें तो आप आसानी से अपनी जगह तक पहुंच पाएंगे। दिल्ली से रचना की रिपोर्ट।